बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम है डॉक्टर शुएब जावेद, एक नए सेशन के साथ आपके क्लिनिक में हाजिर है। हमारे साथ मौजूद हैं जी डॉक्टर वसीम साहब, जो कि अल्ट्रासाउंड का काम सर अंजाम दे रहे हैं। यहाँ पे गोटलैंड फार्म लाला मूसा पर मौजूद हैं और डॉक्टर साहब से पूछते हैं कि मिनिमम जो है ना, कितने दिन की प्रेगनेंसी चेक हो सकती है अल्ट्रासाउंड से, और मैक्सिमम तो हो ही सकती है, और नॉर्मली हम कितने दिन की कर सकते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। मिनिमम अगर हम लार्ज एनिमल की बात करें तो 7 से 15 डेज की हो जाती है, और अगर गोट्स की बात करें तो 30 डेज प्लस पे इसकी फ्रीक्वेंसी में आ जाती है, बच्चे अंदर चेक हो जाते हैं। ठीक हो गया, 30 प्लस पे सारे के सारे एनिमल चेक हो जाते। ठीक हो गया। और ये आप देख लें जी, जेल पड़ी हुई है, अल्ट्रासाउंड जेल, और ये वाटर बेस है, कुछ ही देर में ये खुश्क हो जाती है। और ये लगा रहे हैं जी अल्ट्रासाउंड पे, अल्ट्रासाउंडिंग जेल, और ये आप इसकी प्रेगनेंसी चेक करेंगे। ये आ गई जी गोट, ये जी कर रहे हैं जी प्रेगनेंसी डायग्नोज, थर्ड मंथ फोर्थ मंथ बोन जो है ना वो सामने, जी जी ये वाली बोन है, ठीक है डॉक्टर साहब। मैं थोड़ा सा फोकस कर लूँ उस पर, हाँ जूम कर ले। ये जो है ना, ये बैक बोन है, ये देख लें, ये बैक बोन है जी। जी ठीक हो गया, जा रही है इसकी फोर्थ मंथ पे जा रही है ये तकरीबन। ठीक है जी, ये 4 मंथ पे एडवांस प्रेग्नेंट है, 4 मंथ पे जा रही है जी। ये बकरी का क्या नाम है? काली डब्बी इस बकरी का नाम है जी। ठीक है जी, ले जाए। ठीक हो गया जी। और ये डबल है बच्चे, ये वाजे दो बच्चे वो सामने, अब पूरा बच्चा फोकस हो रहा है जी। ये देख लें जी, पूरा बच्चा फोकस हो रहा है, और दो बेबीज हैं इसके अंदर, और बाकी हम ले जाए इसे। ले जाए सर, ओके सर। डॉक्टर ये मशीन कौन सी है, कौन सा मॉडल? टाइसन इको 3 मॉडल है। ठीक हो गया। इस पर फ्रीक्वेंसी रेंज 5.3 से लेकर 10.5 तक है रेंज। ठीक हो गया। और मल्टीपल फ्रीक्वेंसीज पे हम डायग्नोसिस भी कर सकते हैं, प्रेगनेंसी भी चेक कर सकते हैं। ठीक है। अगर कोई डिजीज चल रही है कोई बकरी के अंदर या किसी बड़े जानवर के अंदर, ठीक है, इसमें हम सारी चीजें उसके अंदर जूम कर सकते हैं, इस फ्रीक्वेंसी पे देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या मसला, यानी कि वो बकरियाँ जो दूसरा रिपीट हो रही है उनके अंदर, रिपीटर के अंदर या किसी के अंदर पस है या बायोमेटर है या किस तरह का इशू, तो वो भी इसमें क्लियर हो जाए। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। बाकी आप ये देख लें जी डॉक्टर साहब, इसकी प्राइस क्या है? इस टाइम मार्केट में $4,500 चल रही है। $4,500, यानी कि इस हिसाब से तो ये 9 लाख से भी बढ़ जाएगी, $270 का डॉलर हो गया। नहीं ठीक हो गया। ये देख लें जी, एक और बकरी का जो ना अल्ट्रासाउंड होने जा रहा है, ये आपको फिर एक मतलब दिखा देते हैं। कहते हैं कि ये कॉन्टैक्ट बन गया, विदाउट कॉन्टैक्ट जो कि हेयर्स होते हैं जी, तो वो फिर कॉन्टैक्ट ना बने तो रेंज नहीं आती। ठीक हो गया। ये जी देख लें, मौसम भाई अंदर आए, ये आप देख लें जी, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, और ये इसका फिटस भी आपको दिखाते हैं। ये ब्लैक तेन तो अपने को लुका रहे हैं, ये पॉजिटिव है यार, ये अर्ली प्रेगनेंसी पे है, अर्ली प्रेगनेंसी हो गया इसको कोई तकरीबन 2 माह के करीब करीब। ठीक हो गया, चले ले जाए। ये देख लें जी, ये 2 माह के करीब है जी, अर्ली प्रेगनेंसी पे है। ये देख लें जी, एक और हो गई है। बाकी अभी तकरीबन 18 बकरियां हमारे पास जिनकी हमने ना अल्ट्रासाउंड करवानी है, क्योंकि इनके अंदर तकरीबन 2 बकरियां जो है ना वो खाली हैं, बाकी सारी की सारी प्रेग्नेंट है। तो हम चेक करना चाह रहे हैं कि ये सेल जो पिछले दिनों में ना सेल वाली लगाई थी ना, तो ये वो वाली बकरी हैं, इनमें तकरीबन 2 बकरियां खाली हैं और बाकी सारी की सारी प्रेग्नेंट है, और इनमें से ना 2 से 3 बकरियां जो है ना वो पास्टुरेट भी हो चुकी हैं, तो उन्होंने दो तीन बच्चे दिए हैं हमारे पास। और आप ये देख लें, माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत बकरी है। और बाकी हम डॉक्टर वसीम की तरफ चलते हैं, और ये आप देख लें मशीन, इसके अलावा मार्केट से सस्ती मशीनें भी मिल जाती हैं, आप अच्छी मशीन लें अगर आप लेना चाहते हैं।
तो ये आ गई जी एक और बकरी जिसका अल्ट्रासाउंड अभी होगा। एक्सेल शीट के बन गए जी है ना बकरियां नहीं तस्वीर दे पोस्ट है एक्सेल दे बन गए जी देखो ते मसला जी है ना जानवर है एक मिनट ये भी उसी के साथ चल रही है ये भी प्रेग्नेंट है जी हां ये भी प्रेग्नेंट है ये आप देख लें जी यहां से वो सामने ये फिटस भी हम आपको इसका दिखा देते हैं। ये भी अर्ली स्टेज पे है और ये भी तकरीबन दो मंथ के अराउंड अबाउट है। आप देख लें जी फिटस माशाल्लाह तकरीबन जो हमने अभी तक बकरियां चेक कर ली हैं उनमें से दो बकरियां जो है ना वो अनप्रेग्नेंट निकली हैं बाकी अभी देखते हैं अगर अदरवाइज और कोई ना निकले दो हैं या तीन हैं अनप्रेग्नेंट बाकी सारी की सारी जो है ना प्रेग्नेंट है। यहाँ पे ये जेल लगा ली गई है जी और ये बकरी को चेक करने शुरू कर दिए पॉजिटिव और ये थर्ड मंथ पे चल रही है ठीक हो गया डॉक्टर साहब ये इसका भी ज़्यादा है फिटनेस देख ले जी ये थर्ड मंथ की प्रेग्नेंट है ये देख ये कॉटिलीडन है मेटरनल जो जॉइंट करते हैं बच्चों के साथ वो नजर आ रहा है ठीक हो गया डॉक्टर साहब चले चले ये भी हो गई जी प्रेग्नेंट डिक्लेयर और इसके अलावा जी रह गई हमारी पांच बकरियां रह गई हैं चार रह गई हैं ये वाली बकरी जो है वो हो गई है ये वाली जो बकरी है ना ये वाली वाइट कानों वाली और ये जो है ना अनप्रेग्नेंट है बाकी मेरा ख्याल है कि प्रेग्नेंट हैं दो बकरियां इनमें से हैं एक वो आगे खड़ी है बाढ़ के साथ और ये बाढ़ के साथ खड़ी हुई है ये डिलीवर हो गई हैं चले आज तक लिए इतना ही दुआओं में याद रखिएगा पांच वक्त की नमाज अदा कीजिएगा अल्लाह हाफिज़।